कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राज्यसभा जाने की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि प्रियंका गांधी राज्यसभा चुनाव लड़ें। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि प्रियंका को कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही हैं और इन दो में 1 सीट पर चर्चा है कि प्रियंका गांधी राज्यसभा भेजी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रियंका गांधी के राज्यसभा में जाने का स्वागत किया। चौबे ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रियंका जी अगर राज्यसभा जाना चाहती हैं तो ये राज्य उनके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ हम पूर्ण बहुमत में हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका फैसला हाईकमान करेगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मारना बताया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस कब तक किसी का हक मारती रहेगी। कौशिक ने कहा, देखिए कौन कहां से जाता है कौन नहीं, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन वो फिर क्यों कहते हैं कि छत्तीसगढ़ियों के लिए वो काम करते हैं। आज यहाँ जो भी बड़े बड़े काम किए जाते हैं तो लाभ बाहर के बड़े बड़े लोगों को मिलता है। आज इनको राज्यसभा की सीट के लिए देखिए, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सांसद के लिए लोग नहीं मिलते, बाहर से लोगों को नामांकित किया जाता है। बाहर के लोगों का नाम जाने से छत्तीसगढ़ का हक मारा जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता रविन्द्र चौबे ने कहा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में इतनी हैसियत नहीं है कि वो राज्यसभा के लिए किसी तरह का सुझाव हमें दे। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों चिंतन शिविर के माध्यम से आत्म मंथन कर रही है और एक बार फिर से पूरे विश्वास के साथ अपनी वापसी के लिए रास्ता बना रही है। पार्टी एक बार फिर से गांधी परिवार के करिश्मे पर भरोसा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राज्यसभा चुनाव लड़ें। कांग्रेस अपने अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर फैसला कर सकती है, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी की जानी है। कांग्रेस अपने दम पर 8 सीटें जीत सकती है, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं का भाग्य स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 2017 से ही एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभाल रही हैं, लेकिन अब तक वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए ताकि वो मुखरता से पार्टी का पक्ष संसद में रख सके। कांग्रेस लीडरशिप फिलहाल आने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर चर्चा कर रही है। हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस कुछ सीटों पर जीत की स्थिति में है। फिलहाल इन सीटों से किन नेताओं को मौका दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है। हालांकि अब तक प्रियंका गांधी या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पार्टी के किसी अन्य नेता ने भी खुलकर इस पर बात नहीं की है, लेकिन चर्चाएं अंदर तेज हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।